गुड मॉर्निंग एलेवेंथ क्लास स्टूडेंट्स नाउ सम पेजेस ऑफ एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल वी हैव कम्पलीटेड राइट नाउ न्यू पेज ऑफ दिस चैप्टर आई डोंट रियली नो हाउ टू डिस्क्राइब माई ट्रबल देखिये एल्बर्ट अब खुद भी कन्फ्यूज हैं कि वो अपनी ट्रबल को कैसे क्लारीफाई करें डॉक्टर के सामने डोंट ट्राई सर द यंग डॉक्टर विद अ फ्रेंडली स्माइल देखिए यंग डॉक्टर के सामने अब वो आ चुके हैं जो कि जिनके लिए एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है थे वो फर्स्ट पेशेंट थे तो उन्होंने कहा डोंट ट्राई सर द यंग डॉक्टर विद अ फ्रेंडली स्माइल बहुत ही फ्रेंडली स्माइल के साथ यूरी हैज़ ऑलरेडी गिवन मी अस्ट्री ऑफ द केस यानी कि यूरी ने मुझे सब कुछ बता दिया है ओ वॉट डिड ही से अरे उसने क्या कह दिया आपसे ओनली दैट यू वॉन्ट मी टू थिंक यू हैव हैड अ नर्वस ब्रेक डाउन उसने केवल ये बताया कि आप मुझसे वो चीज़ें बयान करवाना चाहते हैं जिससे कि ये पता चले कि मुझे नर्वस ब्रेकडाउन है मींस डॉक्टर के सामने यूरी ने उसकी केस हिस्ट्री बता दी केस हिस्ट्री ऐसी बताई जब एल्बर्ट आइंस्टाइन को पता चला व्हेन ही केम टू नो डॉक्टर न्यू ईच एंड एवरी थिंग बट ही डिडेंट एक्सपेक्ट दिस थिंग फ्रॉम डॉक्टर एंड यूरी स्पेशली तो ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ें जब उसके सामने आईं तब उन्होंने एल्बर्ट ने कहा उसने क्या कह दिया तो डॉक्टर ने इसलिए कहा कि केवल आप मुझसे वो कहला ाना चाहते हैं जिससे कि ये पता चल जाए कि आपको नर्वस ब्रेकडाउन है और रीज़न क्या है इसके पीछे देखिए एंड से दैट यू मस्ट नॉट गो बैक टू दैट स्कूल और मुझसे आप ये कहलवाना चाहते हैं कि मुझे स्कूल दोबारा नहीं जाना चाहिए ओ डियर एल्बर्ट्स फेस फैल एल्बर्ट का जो चेहरा था वो मुझा गया ही शुडेंट हैव टोल्ड यू दैट यूरी को आपको ये नहीं बताना चाहिए था वाई नॉट क्यों नहीं इजेंट ए ट्रू देन क्या ये सच नहीं है जो मैंने आपको बताया येस दैट्स अ ट्रबल यही तो परेशानी है नाउ यू विल से देर इज़ नथिंग वॉक विद मी अब डॉक्टर यदि आपको पता चल चुका है सब कुछ कि मैं नर्वस ब्रेक डाउन कि ये डिजीज़ आपसे प्रेस्क्राइब करवाना चाहता हूँ तो आप तो अब ये कहेंगे कि मेरे साथ कोई प्रॉब्लम ही नहीं है एंड यू विल टेल मी टू गो बैक टू स्कूल और आप मुझे ये सजेस्ट करेंगे कि तुम्हें स्कूल जाना चाहिए डोंट बी टू श्योर ऑफ दैट सेट द डॉक्टर डॉक्टर ने कहा इस बारे में आप पूरा श्योर मत रहिए एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई एम प्रटी श्योर यू आर इन अ नर्वस स्टेट अबाउट दैट स्कूल और इस वक्त तो मुझे ये पता चल रहा है कि आप कहीं ना कहीं ख़ुद भी नर्वस हैं बहुत ज़्यादा स्कूल जाने के लिए या yeah, स्कूल का माने के लिए बट आई हैवन टोल्ड यू एनीथिंग अबाउट इट सड एलबर्ट एल्बर्ट ने कहा डॉक्टर से मैंने इस बारे में आपको अभी तक कुछ ज्यादा बताया ही नहीं वाइड आइड हाउ कैन यू नो दैट आप ये सारी बातें और सारी इन साइड जितनी भी बातें हैं ये आपको कैसे पता चल रही हैं कैसे आपने जाना बिकॉज यू वोट हैव कम टू सी मी अबाउट दिस इफ यू इफ यू हैडेंट बीन प्रलोज टू अर्न अवर स्पिट टाउन आप हमारे पास आते ही नहीं नहीं यदि आपको रियलिटी में नर्वस ब्रेकडाउन नहीं होता मींस कहीं ना कहीं आपको रियल में नर्वस ब्रेकडाउन है तो ये देखिए ये कितनी इंटरेस्टिंग थ्योरी uh, थी दैट्स वाई नाउ सिर्फ द डॉक्टर ब्रिस्कली बहुत तेजी से डॉक्टर ने यह कहा इफ़ आई सर्टिफाई दैट यू हैव हैड अ नर्वस ब्रेकडाउन यदि मैं सर्टिफिकेट आपको देता हूँ कि आपको नर्वस ब्रेकडाउन है एंड मस्ट स्टे अवे फ्रॉम स्कूल फॉर अ वाइल्ड और आपको स्कूल से uh, कुछ पल के लिए दूर रहना है वॉट विल यू डू वट विल यू डू तो आप क्या करेंगे आई विल गो टू इटली तो मैं इटली जाऊँगा सर एल्बर्ट एलबर्ट की प्लानिंग्स कुछ अलग थी उन्होंने इटली जाने के लिए सोच रखा था टू मिलान वेयर माई पेरेंट्स आर जहाँ पे मेरे पेरेंट्स हैं राइट एंड वट विल यू डू देयर और आप करेंगे क्या वहाँ जाकर आई विल ट्राई टू गेट इन टू एन इटालियन कॉलेज और इंस्टीट्यूट मैं वहाँ जाकर इटालियन कॉलेज में एडमिशन लूंगा या इंस्टीट्यूट में हाउ कैन यू विदाउट ए डिप्लोमा वहाँ पर आप बिना डिप्लोमा के एडमिशन कैसे ले सकते हैं आई लास्क माई मैथेमेटिक्स टीचर टू गिव मी समथिंग अबाउट माई वर्क मैं अपने मैथ्स के टीचर को कहूँगा कि कुछ रेफरेंस दे मेरे वर्क के लिए वो एंड परहैप्स दैट विल भी इनअ हो सकता है उनका वो रिटन रेफरेंस जो है वो इनफ हो मेरे एडमिशन के लिए आई हैव लर्नड ऑल द मैथ्स दे टीच एट अ स्कूल एंड अ बिट मोर यानी कि जो भी मैथमेटिक्स उन्होंने मुझे स्कूल में पढ़ाई है वो मुझे अच्छे से पता है एंड एंड अ बिट मोर और हो सकता है उससे ज़्यादा ही एडिड वेन डॉक्टर वील लुकड डाउटफुल जब डॉक्टर ने बहुत ही संदेह पूर्ण देखा तो ये सब चीज़ें एड हुई वेल इट्स अप टू यू अब it's up to you he said i doubt if it will come off but i can see you are not doing yourself or any वन एल्स मच गुड बाय स्टेइंगयर हाउ लॉन्ग वुड यू लाइक मी टू से यू शूड स्टे अवे फ्राम स्कूल अब देखिए अब डॉक्टर ने सारी बातें सुन ली और डॉक्टर ने कहा कि आप कितना समय चाहते हैं कि मैं आपको प्रेस्क्राइब करके दूँ और रेफरेंस लिख दूँ कि आपको इतने महीने जो है वो स्कूल से दूर रहना है वो डू सिक्स मंथ्स भी ऑल राइट क्या छः महीने काफ़ी है ये लिखने के लिए दिस इज़ वेरी काइंड ऑफ यू हाँ आपके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा और इस्पेली मेरे लिए यदि आप रिटर्न रेफरेंस लिखें के दे देते हैं और ये सर्टिफाई कर देते हैं कि मुझे नर्वस ब्रेकडाउन है और मुझे छः महीने के लिए स्कूल नहीं जाना है इट्स नथिंग आई हैव ओनली जस्ट स्टॉप बीइंग अ स्टूडेंट माई सेल्फ ठीक है ये कुछ भी नहीं है मुझे तो अपने आप को स्टूडेंट की पोस्ट से थोड़ा सा अलग करना है मींस मैं एक स्टैम्प लगवाना नहीं चाहता कि मैं एक स्टूडेंट ही हूँ केवल सो आई नो हाउ यू फील हेयर यू आर डॉक्टर वेल हैंडेड हिम द सर्टिफिकेट एंड द बेस्ट ऑफ लक डॉक्टर वेल ने रिटर्न रेफरेंस दिया और उसे बेस्ट ऑफ लक कहा हाउ मच नथिंग इफ यू हैव एनी थिंग टू स्पेयर इनवाइट यूरी टू अ मील कुछ भी नहीं लेना है मुझे यदि आप कुछ स्पेंड करना चाहते ही हैं एल्बर्ट तो आप यूरी को खाने पर बुलाइए ही इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइंड वो मेरा बहुत अच्छा मित्र है एंड योर्स टू और आपका भी आई थिंक मुझे ऐसा लगता है एल्बर्ट हैड नो मनी टू स्पेयर अल्बर्ट के पास पैसे ही नहीं थे खर्च करने के लिए बस उसने ये है फॉर्मेलिटी के लिए पूछ लिया था डॉक्टर से बट ही प्रिटेंडेड ही हैड लेकिन उसने ऐसा प्रिटेंड किया अपने आप को बोला कि उसके पास पैसे हैं एंड टुक यूरी आउट टू सपो और यूरी को वो रात के खाने के लिए इन्वाइट किया उसने और ले गए Isn't it wonderful? Now next page. He said after showing Yuri the certificate. Certificate जब उसे मिल गया उसके हाथों में आ गया तो ये certificate उसने Yuri को दिखाया क्या ये तुम्हें wonderful नहीं लगा I means ये कितना अच्छा हुआ जो मैंने plan किया वो मेरे हाथों में है Yes it's fine हाँ ये बहुत अच्छा है Yuri agreed Yuri ने सहमति दी Six months is a good period छः महीने बहुत अच्छा समय है This way you won't actually be leaving the school So If so, if the worst comes to the worst, you will be able to come back. छः महीने काफ़ी अच्छा पीरियड है और अगर इसी बीच तुम्हें यह है कि तुम्हें पूरी तरह से स्कूल से लीव नहीं करना है और इस बीच अगर बहुत बुरी सिचुएशंस आती भी हैं कुछ ऐसा होता भी है तो तुम वापस स्कूल जा सकते हो एंड कैरी कैरी ऑन फॉर योर डिप्लोमा और डिप्लोमा के लिए तुम कंटिन्यू कर सकते हो आई नेवर गो बैक टू दैट प्लेस मैं उस प्लेस पर वापस नहीं जाऊँगा एलबर्ट एश्योर्ड हिम एलबर्ट ने उसे आश्वासन दिलाया आई एम गोइंग टू टेक दिस सर्टिफिकेट टू दैड टीचर टमोरो मैं कल ये सर्टिफिकेट हेड टीचर के पास ले जाऊँगा एंड दैट विल बी द एंड ऑफ इट और ये एंड होगा सब चीज़ों का डोंट फॉगेट डोंट फॉगेट टू गेट अ रेफरेंस इन राइटिंग फ्रॉम योर मैथमेटिक्स टीचर फर्स्ट यूरी रिमाइंडेड हिम यूरी ने वापस उसे याद दिलाया कि मैथ्स के टीचर से रेफरेंस लेना मत भूलना मिस्टर कोच विलिंगली गेव एल्बर्ट द रेफरेंस ही वॉन्टेड मिस्टर कोच ने इच्छा अनुसार एल्बर्ट को रेफरेंस दिया जो वो चाहते थे नाउ थैंक यू